अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। मैं मोहम्मद ज़ीशान जावेद, आपका साइंस टीचर, जो आपको साइंस पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके अपनी साइंस को आगे लेके चलेंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो दरकार होगी। तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में है ये। इसमें आप जो SLO पढ़ने, इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, एक्सक्रीशन क्या होती है, लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किडनी उसका किरदार क्या होता है, कैसे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है, उसके साथ साथ किडनी का खराब अगर प्रॉब्लम हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो उसको किन वजूहात पर ख़राब होता है, और अगर ख़राब हो जाता है तो कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके हम किडनी को क्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले आप हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसे कि बताया जा रहा है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। दीज ऑर्गन मेक एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम। किडनी, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, किडनी प्रॉब्लम एंड देयर ट्रीटमेंट विल ऑल्सो बी डिस्कस। मतलब नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, दो हमारे सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या हमने पढ़ना है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम है। जब भी कोई बंदा हमें छूता है या हम कोई चीज़ इंजरी होती है कोई भी, तो पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होती है, पूरी बॉडी जो है वो पेन फील करती है, ठीक है। हिज हैंड इमीडिएटली रीच द, और जैसे ही जहाँ इंजरी होती है हमारा हाथ फौरन वहाँ पर पहुँचता है। मतलब है कि, और हमें पता है कि हमारे ब्रेन के पास सारी फंक्शनिंग हो रही होती है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे जाती है। हु आज द हैंड टू रीच द साइड, कौन कहता है कि हाथ इंजरी की जगह तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में, देर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर एंड कंटिन्यूड बॉडी फंक्शन। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, बॉडी के अंदर वो सिस्टम जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन करता है, पूरी बॉडी में पैगामात को लेके चलता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन जो है ये आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक के ऊपर, और इस ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे भी, ठीक है जी। बॉडी के अंदर दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ न्यूरॉन का नेटवर्क है, जो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। एक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन आप करेंगे, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो पॉइंट इसके बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पर बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक CNS है और एक PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अल्लाह हाफिज़। चलो।